शोजा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना ड्राइंग रूम में लेकर आती। बेगम, दो खजूरें ही ले आती साथ, खा लेता खाने के बाद, शायद अल्लाह शफा दे देता। कौन सी खजूरें? वही जो मेरा दोस्त रफीक नहीं देख गया था। कौन सी खजूरें? 8-10 खजूरें थी, बूटा आया हुआ था, उसने पड़ी देखी और मिल्क शेक बनाकर पी लिया। क्या हुआ आपको? बेगम, छोटी सी बात ने आईना दिखा दिया मुझे, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं खाना छोड़कर? आकर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैरियर थी गफूर साहब, इतनी इमरजेंसी में प्लॉट पर बुलाया। नदीम, ये मेरा प्लॉट देख रहे हो, इस पर अगर बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो कितनी देर में काम शुरू कर सकते हो? ओ गफूर साहब, आपको तो पता है अपना काम ही जद्दी पुश्ती ठेकेदारी है, 2 घंटे में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है नदीम, मैं यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 घंटे में यहाँ काम शुरू करो, मैं मगरब से पहले यहाँ खुदाई देखना चाहता हूँ। गफूर साहब तो ऐसे काम करवा रहे हैं जैसे इन्हें पता हो कि मैंने मगरिब के बाद मर जाना है। खैरियत तो है गफूर साहब, इतनी जल्दी? अभी तो नक्शा भी बनना है। नदीम, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में, मैं वैसे ही बीमार शुमार रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से बनाई हुई मस्जिद में एक नमाज अदा करके जाऊँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ एक मस्जिद तामीर हो। अच्छा, अब तुमने 2 घंटे का बोला है ना, तो अब काम शुरू कर दो, मगर तक मैं यहाँ खुदाई देखना चाहता हूँ। चले ठीक है, मैं अभी इंजीनियर को बुलाता हूँ, आरजी नक्शा बनवा कर फौरी काम शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये 30 लाख रुपए का चेक है। ठीक है जी, जिस अखलास और शौक से आप काम करवा रहे हैं ना, इंशाल्लाह 2 घंटों में ही शुरू हो जाएगा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अपनी लेबर बुलाओ और फौरन काम शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है। कहाँ चले गए थे आप? बेगम, आपकी छोटी सी बात ने मेरी आंखें खोल दी, मैं पागल आपके ऐशो आराम ढूंढता रहा और अपने लिए रिहाइश और आराम का इंतजाम न कर सका। क्या मतलब? मैं अपने असली घर और असली रिहाइश का इंतजाम करने गया था। क्या कह रहे हैं आप गफूर साहब? मैं अब सुकून से मर सकता, अब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। आप लोगों ने तो मेरे लिए 4 खजूर के दाने छोड़ना गुवारा नहीं किए, तुम अपने भाई के साथ मिलकर नई कार की फिक्र में हो, और बेटा बेटा दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशियों में मसरूफ है। मेरे मरने के बाद आप लोगों ने मुझे क्या भेजना है जो मेरे लिए खजूर के 4 दाने ना रख सके? इसलिए मैंने अपनी दौलत से, अपनी नेक कमाई से एक बड़ा हिस्सा आगे भेज दिया है, और इससे मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। मैं मरने के बाद आपकी दुआओं का मोहताज नहीं रहूंगा बेगम। मैं पैसे के पीछे पागल था और अपनी आखिरत भूल चुका था। अब मेरी रूह को चैन मिल गया है, अब मेरी रूह को ठंडक मिल गई है। ऐ ईमान वालों, ये दुनिया फानी है, अमीर गरीब, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करने वाले, करोड़ों के मालिक, देश परदेश में पैसे और अपनों की खातर खाक छानने वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनियों के मालिक सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने गिरबान में झांक कर देखें, क्या आपने अपनी आखिरत और असर रहस्य का बंदोबस्त कर लिया है? ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, देखते देखते रेत की मानद हाथ से फिसलती जा रही है। चंद सांसे फिर सामने 2 गज कब्र। मैंने तो मस्जिद तामीर करके अपनी रूह को सुकून दे दिया है।
अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। आप सब हमारी वीडियोस देखने वाले चाहे एक रुपया ही सही इंसानियत और अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ। किसी गरीब का सहारा बनकर, किसी गरीब बेटी की शादी करवा कर, किसी बेवा के सर पर हाथ रखकर अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी आखिरत संवार लो। खुदा की कसम, एक हवा का झोंका आएगा और ये दुनिया की सारी ऐशो आराम छूट जाएगा और मौत की आगोश में जा सोएंगे। अपनी दौलतमंद मान ना करे इंसान, तेरी सारी दौलत की औकात सफेद कफन और दो गज जमीन है। दुआ है हमारी वीडियो देखकर किसी का दिल बदल जाए।